हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कल पता है हम खेत पे गए थे और खेत पे जाने के बाद यानी कि आने के बाद मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी डाउन हो गई थी, यानी कि मुझे फीवर हो गया था। तो फीवर होने के बाद मैंने रेस्ट किया, मैंने दवाई खाई और दवाई खाने के बाद मैं सुबह के उठा हूँ 9:30 के आसपास। उठने के बाद मुझे याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे आज सेलिब्रेट किया जाएगा। ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं रहेगा, बट छोटे वोटे में ही थोड़ा काम चलाया जाएगा। कुछ मनी इशू है तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से शाम को रेडी वेडी हो जाऊँ, नहा वहा लूँ, नहा वहा के भगवान के मंदिर में जाके थोड़ा पूजा वूजा कर लूँ। पूजा वूजा करने के बाद अगर घर पे कुछ डिशेस बनना होगा तो मैं डिशेस मम्मी से कह के बनवाऊंगा। थैंक्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बर्थडे है मेरा, तो मेरे जो भाई बहन है उन्होंने कहा कि हमें पार्टी चाहिए, तो हम मनाएंगे चौमिन पार्टी। तो मैं जा रहा हूँ अभी मंगाने पवन से कहता हूँ कि पवन तू जाके चौमिन लेता है। पवन है, पवन पबजी खेल रहा है अभी। भाई खेले बट थोड़ी देर में ही बोलूंगा कि जा जाके लेके आ जा चौमिन, और सब लोग मिलके हम लोग चौमिन पार्टी मनाएंगे। और शाम को कुछ ना कुछ तो जरूर डिश बनेगी। तो बोल रहा हूँ कि जा चौमिन लेके आ जा। पवन ये ले भाई पैसे, चौमिन लेके आ जियो। और क्या कहते हैं, हरी चटनी और लाल चटनी डलवा दियो, ठीक है? और क्या कहते हैं, चम्मच अच्छे से लेते आइयो, ठीक है ना? भूलना मत कुछ भाई, अच्छे से लेके आइयो, खाने में मत लग जाइयो करी। तो फाइन दोस्तों, भैया ने पैसे दे दिए हैं, अब हमको जाना है चौमिन लेने। तो आप देख सकते हैं हम छाता लिए हैं, तो यहाँ पर मतलब बारिश हो रही है बहुत जोर से, तो जा रहे हैं लेने के चौमिन। चौमिन पैक हो चुका है अभी। अब हम जा रहे हैं घर, अब हमारे देख सकते हैं चौमिन पैक हो चुका है, हम जा रहे हैं घर। तो अब घर जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा होता है, जो कि हमारी गड़ई है, तो वहाँ पर थोड़ा पानी बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, तो थोड़ा हेल कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, पवन चौमिन लेके आ ही रहा है और आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये रही चौमिन, अब हम लोग करेंगे चौमिन पार्टी सब लोग मिलके। तो भाई खाया हुआ नहीं ना चौमिन में? नहीं, चौमिन नहीं खाया। खाया होगा भाई थोड़ा बड़ा, तो कहीं खावा लेता है कभी कभी। खाया मत क्या कर, सही बताओ, खाया नहीं ना भाई? नहीं, खाया नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खाया। खाता होता रहता है भाई तू कभी कभार? नहीं नहीं। चल ठीक है भाई, यहाँ पे चौमिन आ गया है और हम लोग चौमिन पार्टी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं चौमिन खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चौमिन बनाता है ना, बहुत टेस्टी बनाता है, मेरा तो भाई इसका फेवरेट चौमिन है। हम भी यहाँ पर चौमिन लेके आए तो खाएंगे थोड़ा चौमिन। भाई ये पहले से खा के आए चौमिन में से? जब भी कभी कुछ भैया ना भाई, तो थोड़ा मोड़ा खाए के आता है, उसका बताए खा के आता है। नहीं नहीं, बता नहीं खा के आया था, बोला था कि खाया हूँ, बोला कि नहीं खाया था। नहीं खाया, नहीं खाया। चल बे छुट्टा, हम भी चौमिन खा गए हैं। भैया का अमन भैया का बर्थडे है, इसीलिए पार्टी दी है। मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के मैं 10 मिनट में बस आता हूँ। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अब जैसा कि देख रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अब पूजा करने। आज मेरा बर्थडे था तो मैं अब मम्मी से अपने आया हूँ आशीर्वाद लेने। तो हमारी मम्मी ही सब कुछ है हमारी, ठीक है? तो मम्मी आप आशीर्वाद दे सकती हो। अब देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ भगवान की पूजा करने के लिए, तो मैं अब जा रहा हूँ पूजा करने। चल जल में जल हूँ गिरा हूँ। जय भोलेनाथ। दिखता है तो ये मिठाई चढ़ा दे, मिठाई दोनों
ठीक है। जय भोलेनाथ हर हर महादेव। तो गाइस आप लोग देख रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जलाऊंगा अगरबत्ती। पूजा करने का कुछ अलग ही नजरिया है। पूजा करने से बहुत शांति मिलती है। अगर किसी का मन विचलित है तो अगर वो पूजा पाठ में मन लगाए तो मुझे पूरा 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका मन एकदम शांत हो जाएगा। जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग सब तैयारी करेंगे यहीं पे, इसी में हम लोग डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन यानी कि बैलून लगाया जाएगा और अच्छे से इसको सजाया जाएगा। पीछे साउंड बॉक्स है जो कि हम लोगों ने मंगाया है साउंड। तो ये रहा साउंड। साउंड स्टेबलाइजर है, देख सकते हैं। अभी तैयारी हो नहीं रही है, बस थोड़ी देर में ऑन के आते ही हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं मैंने पीछे पर्दा भी लगाया है, लग गया है पर्दा। तो हम लोग धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है तैयारियां की, वो तैयारी सारी हो रही है, पूरा हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पवन बैलून फुला रहा है, देख सकते हैं। बैलून फुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। इसे एकदम जो ये ये होता है ना, ये पोर्शन दर्द होने लग जाता है, तो यही बैलून फुला। तो कैसा लग रहा है बैलून फुला के, बता सकते हैं? खराब लग रहा है। क्यों भाई, बर्थडे है तो बर्थडे जैसे तो करेगा ही ना हेल्प उसमें। बैलून फुला दोस्तों, बैलून फुलाने की जिम्मेदारी पवन को दी गई है, तो ये पूरा बैलून फुलाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी बैलून वहाँ पड़ी हुई है, तो ये पूरा बैलून ये पवन फुलाएगा। और यहाँ पे देखिए इधर चल रहा है, क्या कहते हैं, डेग जो गाने वाने का म्यूजिक का है, ये कर रहे हैं भैया जी बगल के हमारे, देख सकते हैं यहाँ पूरा सेटअप कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ करना वरने नहीं आता है, तो बस सही है। पवन इधर फुला रहा है, तो ठीक है, आराम से फुलाइए भाई। एक भी बैलून फोड़ उड़ मत दियो, ठीक है? एक बैलून फूट गया है। फूट गया है भाई, तो फोड़ उड़ मत, पैसे लगते हैं इसमें, समझा ना? मैं जान से नहीं फोड़, जान से मत फोड़, लेकिन भाई थोड़ा ध्यान से अच्छे से, जितना भाई इसका साइज उतना ही तक फूकना। आप लोग ही बताना कि बर्थडे मनाना आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, पर मुझे केक, मैंने बहुत दिन बाद ही केक काटना स्टार्ट किया, तो बहुत पहले बचपन में कभी केक कटा था, धूमधाम से मेरा बर्थडे मना था जब मैं दिल्ली रहता था, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी लोगों ने ही मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया था। उसके बाद कभी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ नहीं, तो फिर मैं अपने गाँव पे आया, तो गाँव में जब रहने लगा, तो गाँव में रहने के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से मैंने फिर से मैं केक काटने जा रहा हूँ। आप अपना कमेंट दे सकते हैं किसका बर्थडे किस दिन आता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी तैयारी हो चुकी है और मम्मी चाची चाचा और सब जितने भी लोग आए हैं, तो बस थोड़े ही देर में मेरा बर्थडे हम लोग मनाएंगे। बर्थडे तो बहुत पहले ही मना था मेरा, मैंने बर्थडे नहीं मनाया था, केक वेक नहीं काटा था, तो इस बार मैंने सोचा कि बर्थडे मना ही लेते हैं, थोड़ी दिल की तसल्ली के लिए बर्थडे मनाना अच्छा है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सरप्राइजिंगली भाई की मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे बर्थडे मनाना चाहिए, तो मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा ठीक है जब तेरा मन है तो तू मना। और फिर मम्मी ने ही सारा सामान लाया है, तो बस लाया तो हमने सेटअप किया और सेटअप करके सब चीज रेडी है, और थोड़ी देर में फिर हम केक काटेंगे और मनाएंगे, ठीक है? तो देख सकते हैं आप, यहाँ गाना बज रहा है और पूरा सेटअप कर चुके हैं। तो बस यहाँ तैयारियां सब चल रही है और तैयारी होने के बाद मिलते हैं फिर। देख सकते हैं आप पीछे तैयारियां हो रही हैं और चल रही तैयारियां। इधर बैलून लगाया गया है, देख लीजिए। तो बर्थडे मनाने में एक अलग ही मजा है, बढ़िया लगता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये रहा केक, कमेंट में बताना केक आप लोगों को कैसा लगा। तो बच्चों लोगों का यही उत्साह हो सकता है कि बर्थडे हो या शादी हो, तो डांसर्स करना ही अच्छा समझते हैं। करो मन और
हट जिया। गजब रे भाई। तो यहाँ पे बनी है गाइस पनीर की सब्जी। पवन खा रहा है, देख लीजिए आप, ये पनीर की सब्जी खा रहा है पवन। सिंपल से ही मनाया, कोई ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया हमने, सिंपल से ही सेलिब्रेट करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बर्थडे। ठीक है, थोड़ा दिल को सुकून मिला। खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। खा लो खा लो खा लो। जैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं लग रहा है क्या, मैं थक ही चुका हूँ, तो मुझे थकान हो गई है और मुझे लग रही है नींद। तो दोस्तों वीडियो ऐसी आती ही रहेंगी, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नए और नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो पे आप लोग का खूब सारा प्यार चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है, और बस गुड नाइट।